और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाग में एक युवक का शव मिला है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। थाना सरसावा क्षेत्र में आम के बाग में युवक का शव मिला। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। आम के बाग में युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो सहारनपुर की घटना है, बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है, जहां पर आम के बाग में एक युवक का शव पाया गया है। परिजनों को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर आम के बाग में एक युवक का शव मिला है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर परिजन पहुंचे, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो थाना सरसावा क्षेत्र में आम के बाग में युवक का शव मिला है। किसने हत्या की है युवक की, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो वहीं परिवार वाले सख्ते में हैं, दुख में हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है, जहां पर एक आम के बाग में युवक का शव पाया गया। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, कब की घटना है ये, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात की घटना है, जिसमें कि एक युवक अपना घोड़ा देखने के लिए, ढूंढने के लिए घर से निकला। तो इसका सरसावा थाना क्षेत्र में एक आम के बाग में ही उसका धारदार हथियारों से कटा हुआ शव पाया गया, जिसमें कि खासतौर से गले पर धारदार हथियार के निशान देखे गए थे, जिसकी वजह से उसकी हत्या की पुष्टि की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें कि घोड़ा ढूंढने के लिए युवक जाता है और उसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद मौके पर ही ग्रामीणों की भीड़, थोड़ी देर बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर लग जाती है, जिसे पुलिस में सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड और आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके जांच में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग ऐसा नहीं लग पाया कि अपराधियों तक पहुंचा जाए। ऐसे में गौरव, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से जांच आगे बढ़ा रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना स्थल पर से ब्लेड वगैरह पैरों के निशान पाए गए हैं, जिसको लेकर के डॉग स्क्वाड की टीम ने भी वहां पर अपना वो किया था। उसके बाद देखा जाए तो पुलिस का कहना है कि जांच चालू है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए।